आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले। फॉर्मूले के बारे में आज हम आपके साथ पढ़ेंगे, और फॉर्मूले के बारे में हमने लास्ट क्लास में जाना था कि किस तरीके से हमारा फॉर्मूला परफॉर्म करता है, कैसे यूज होते हैं। आज हम चलिए बात करते हैं अपने कैटेगरी फॉर्मूले से, और कैटेगरी फॉर्मूले में हम बात करेंगे लॉजिकल फॉर्मूला की। सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं, तो यहाँ पर होता है इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर को हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और मुझे इस नंबर्स में ये चेक करना है कि ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 50 कौन कौन से हैं। तो इसको सिलेक्ट करके जैसे मैंने ग्रेटर देन 50 यहाँ डाल के एंटर करूँगा तो रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स आएगा। अब कुछ लोग कहते हैं इसके लिए तो हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, तो इफ का इस्तेमाल हम इस ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट करने में करते हैं, जैसे कि ओके पेन नहीं, ऐसा कुछ रिजल्ट आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आप दे सकते हैं। अब ओके और पेंडिंग को हमने इन्वर्टेड कॉमा में डाला है, अभी चीज़ को याद रखिएगा, नॉट इफ फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूले में अगर कोई अपना टेक्स्ट आप डालना चाहते हैं, कोई भी अपना टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो हमेशा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही डालेंगे। ओके, तो इफ का फॉर्मूला इस चीज में यूज किया जाता है। और ध्यान रखिएगा एक्सेल में जो है जो ट्रू होता है, हमारा जो हमने यहाँ पे ट्रू लिखा, ट्रू को वन समझा जाता है और फॉल्स को जीरो समझा जाता है। तो कहने का मतलब है कि अलग से कैलकुलेशन ना करके हम डायरेक्ट यहाँ इफ के अंदर लगा सकते हैं कि इफ दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो यहां ओके आए, अदरवाइज पेंडिंग। तो जो यहां आप देख पा रहे हैं, जो ऑपरेटर देख पा रहे हैं, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ इफ, ये अलग है, हमने इफ में इसमें कंबाइन किया है। ठीक है, इफ में मैंने यहां पे कंबाइन किया है जिससे हमें रिजल्ट मिल जाता है। अब चलिए इफ के बारे में सीखते हैं कुछ चीजें। बेसिकली इफ का इसके कोई भी फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या है जान लिया, हम इक्वल प्रेस कर सकते हैं या प्लस प्रेस करके फॉर्मूला लिख सकते हैं, हालांकि माइनस से भी लिख सकते हैं लेकिन माइनस से रिजल्ट चेंज हो जाता है इसलिए माइनस का उपयोग नहीं करते हैं, प्लस या फिर इक्वल से फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला का फर्स्ट लेटर लिखिएगा तो आपके पास लिस्ट ऑफ फॉर्मूले आ जाएंगे, हालांकि यहाँ पर डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइप ना करना चाहे तो एरो की से आप ऊपर नीचे करके अपना फॉर्मूला सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के लिए आपको टैब प्रेस करते ही फॉर्मूला यहाँ पे वो टाइप हो जाएगा, ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा। नीचे देखिए जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सिंटैक्स, इससे पता चलता है कि कितने इनपुट्स के अंदर है, अरे कितने इनपुट्स में डालेंगे ताकि हमें आउटपुट दिखे। इनपुट्स के दो तरह के होते हैं, ऑप्शनल एंड रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब उसको डालना ही है, उसको डाले बगैर आप फॉर्मूला से बाहर नहीं निकल सकते। ऑप्शनल मतलब उसको डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, ना डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आएगा, डिफॉल्ट आएगा। तो लॉजिकल टेस्ट आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है, मतलब कि ये रिक्वायर्ड है, जब तक लॉजिकल टेस्ट नहीं डालूंगा मैं फॉर्मूला से बाहर नहीं निकल सकता। अब मैं यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट डाल दिया, ग्रेटर देन 50 कर दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं वैल्यू ट्रू जो है स्क्वायर ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट में इसका मतलब कि इसके डालने की जरूरत नहीं है, डालिएगा तो इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं डालिएगा तो डिफॉल्ट आएगा। जैसे यहाँ देखिए ये फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सेम प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये एरर लगाया तो यहां भी सेम। अब चलिए इफ के कुछ एग्जांपल समझते हैं, इफ के कुछ एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहां पे नेम दिया हुआ है और यहां पे हमारे पास क्वांटिटी है।
मान लीजिए मैंने यहाँ नेम डाल दिया, इससे पूजा और जो चीज़ें नेम है, हमने नेम डाल देते हैं, यहाँ पे अपने नंबर्स डाल देते हैं। मुझे मान लीजिए इस पे इंसेंटिव देना है, तो जो जिसने ग्रेटर दैन, अगर क्वांटिटी जो है ग्रेटर दैन 40 है, 60 है, तो हमें मल्टीप्लाई बाय 40 करना, मतलब कि हमें इंसेंटिव देना है। इंसेंटिव का कंडीशन ये है कि अगर आपने 60 से ऊपर का ऑर्डर दिया है, तो जितना आप ऑर्डर लोगे उतना का 40 रुपीज पर पीस से आपको कमीशन मिलेगा। कितना कमीशन मिला, तो इसके लिए जस्ट यहाँ पे फॉर्मा लगाएंगे कि इफ इसको सिलेक्ट किए और ग्रेटर देन 60 देन हमने इसको सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई बाय 40 कर दिया, नहीं तो जीरो। इफ में हमने दे दिया कि कंडीशन दिया कि बी टू इज ग्रेटर देन 60, अगर ग्रेटर देन 60 हुआ तो ट्रू आएगा, अगर ट्रू आया तो उसने क्वांटिटी वाली अमाउंट फिगर को 40 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे देगा, अगर नहीं आया ग्रेटर देन 60 नहीं हुआ ट्रू नहीं फॉल्स आया तो जीरो शो कर देगा। ठीक है मैम, समझ में आया आपको ये? हाँ जी आ गया। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरा मान लीजिए कि अगर क्वांटिटी नहीं है, मान लीजिए ये स्कोर है, ये स्कोर समझ लीजिए, स्कोर। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है कि अगर ग्रेटर देन 40 है तो पास है, अदरवाइज फेल है, तो मुझे इसका रिजल्ट यहाँ शो करना है, पास और फेल। तो यहाँ इफ कंडीशन देंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन 40 है तो पास, अदरवाइज फेल। तो हमने पास और फेल को इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क कर सकते हैं, हमने दिया क्यों दिया, क्योंकि पास और फेल क्या है, एक टेक्स्ट है। अगर हम इन्वर्टेड कॉमा में ना देंगे तो सिस्टम इसको कोई फॉर्मूला या कोई सेल रेफरेंस मानेगा और ढूंढेगा, नहीं मिलेगा और आपको यहाँ पे नेम का एरर देगा। इसे हमेशा ध्यान रखिएगा कि नंबर्स सेल एड्रेस को छोड़ के जो भी आपके टेक्स्ट है उसको इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, नॉट ए इफ फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूला में। तो आपके सामने देखिए पास और फेल आए। अब मान लीजिए कि मैं एक डेटा एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा सीरियल नंबर है, ये नेम है और यहाँ एड्रेस भी हो सकता है और बाकी चीज़ें भी हो सकती है, आगे एड्रेस फादर नेम डिटेल वगैरह हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, वन लिखते हैं यहाँ पे, पूजा देते हैं और एड्रेस में देते हैं एफ 20, फिर यहाँ टू देते हैं, यहाँ देते हैं ओम और यहाँ पे देते हैं एफ 405। तो मुझे हर बार सीरियल नंबर देना पड़ता है, मैं चाहता हूँ कि सीरियल नंबर मेरा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। तो यहाँ हम देखेंगे फॉर्मूला इफ का, इफ अगली वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन, अगर B3 इज ग्रेटर देन 0 है। हमने ग्रेटर देन 0 क्यों किया, कि जो ब्लैंक सेल होता है एक्सेल उसको 0 समझता है, जो ब्लैंक सेल होता है एक्सेल उसको 0 समझता है। ठीक है, एक्सेल इसको 0 समझता है, अदरवाइज अगर 0 से जब बड़ा है तो ये क्या करे, इस पर प्लस 1 कर दे, अरे ऊपर वाले वैल्यू में प्लस 1 करके सीक्वेंस को कंटिन्यू में कर दे, अदरवाइज ये ब्लैंक कर दे। फॉर्मूला देखिए, मैंने क्या किया, हमने बोला इफ B3 इज ग्रेटर देन 0 तो A2 प्लस 1 अदरवाइज ब्लैंक, एंटर किया और यहाँ नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। तो ये देखिए नीचे तरफ कॉपी पेस्ट कर दिए, अब यहाँ पे नाम लिखते हैं, लिखते हैं इंदर, कविता, मोहन, उदय, रवि, ओके जी, क्या बोल रहे हैं? आई सेड आगे से नहीं। तो फॉर्मूला समझ में आया,
जी आ गया। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होगा कि अगर कोई नेम ब्लैंक हो गया तो उसके नीचे सारा एरर आ जाएगा। अब ये एरर क्यों आया इसको समझना जरूरी है कि आखिर ये एरर आया क्यों। तो देखिए ब्लैंक सेल दो तरह के होते हैं, एक हो गया अभी जो ब्लैंक है उसको जीरो समझता है, लेकिन हमने फॉर्मूले में जो ब्लैंक दिया वो क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। तो टेक्स्ट पे किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, इसलिए प्रॉब्लम है। अब इसके सॉल्यूशन के ब्लैंक और फिर भी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखें तो इसके लिए हमें फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, ए टू प्लस वन के जगह पे हमें मैक्स का फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि मैक्स में के अंदर अगर कोई टेक्स्ट आ जाता है तो उसको इग्नोर कर देता है, एरर नहीं देता है। तो ए टू से लेके ए टू प्लस वन, लेकिन ऐसे नीचे ड्रैग नहीं करना, वरना क्या होगा, बी टू से बी टू, सी टू से सी टू, डी टू से डी, ऐसे ही आएगा, सिंगल लेंस आ जाएगा। तो एक को मैंने फ्रीज कर दिया तो जब नीचे हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ए टू से ए थ्री, क्योंकि ए टू तो फिक्स होगा, ओरिजिन फिक्स होगा, डेस्टिनेशन बदलता आ जाएगा। अब देखिए तो इसने देखा, इसने क्या किया, अपने से ऊपर वाले को क्या कर दिया, मैक्सिमम निकाला और जो मैक्स की वैल्यू थी उसको वन कर दिया। अब मैक्स को यहाँ पे ब्लैंक मिला इससे कोई मतलब नहीं है, उसने उसको इग्नोर करके फोर दे दिया, फोर प्लस वन यहाँ पे फाइव आ। क्लियर है मैम? हाँ जी क्लियर तो है, लेकिन यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट तो लिखा ही नहीं, ये तो काउंटिंग ही है ना, तो फिर मतलब ये हमने इन्वर्टेड कॉमा डाला ना तो टेक्स्ट अच्छा, नहीं अच्छा। हुआ टेक्स्ट की कैटेगरी में चला गया। अच्छा ठीक है समझ गया। अब जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर बनाना है, हाँ जी, तो सीरियल नंबर में मैं चाहता हूँ कि मैं जितना लिखूँ, जैसे मैंने लिख दिया टू टेन तो टेन तक ही बने, या फाइव फाइव तक ही बने, तो मैनुअली हमने वन लिख दिया और इसमें लिखा कि इफ़ ऊपर वैल्यू में प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन फाइव है तो ब्लैंक कर दे, अदरवाइज तो सीक्वेंस है सीक्वेंस से प्लस वन करके कंटिन्यू बढ़ा दे। अब मुझे इसको हमने प्लस वन ग्रेटर देन साइन ले लिया, अब सही ठीक है मैम। अब नीचे ड्रैग करने के लिए ये F2 हमारा फिक्स रेंज है, इसको फ्रीज कर दिया और मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। अब नीचे जैसे ही गया है ब्लैंक है, अब ब्लैंक का रीजन भी यही है क्योंकि टेक्स्ट है, और मुझे इसको नीचे ब्लैंक ही रखना है, हमें कोई नंबर देना नहीं है, बस मुझे इस एरर को इग्नोर करना है। तो एरर को इग्नोर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इफ़ एरर। इस एरर के दो इनपुट होते हैं, पहला आप अपना फॉर्मूला डाल दीजिए, अगर फॉर्मूला एरर दिया उसके जगह पे क्या डालना है कॉमा करके वो डाल दीजिए। तो मैंने ब्लैंक डाल दिया, मतलब कि इनवर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज, मतलब कि कुछ नहीं, बस ब्लैंक हो। अब मैं नीचे ट्रैक कर दिया फिर ब्लैंक हो। अब इससे होगा क्या कि जैसे मैंने दे दिया सेवन दे दिया तो आपका सेवन तक आएगा, टेन दे दिया तो आपका टेन तक आएगा, इस तरह से सीक्वेंस। इफ के थे प्रॉब्लम। अब ये आगे बढ़ते हैं, अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशन हुआ तो क्या करूंगा, जैसे मैंने नंबर दिया, अब मुझे क्या करने हैं कि इंसेंटिव देना है, आई एन सी इंसेंटिव देना है, और मैं चाहता हूं कि अगर 52 हो तो 500 का इंसेंटिव आए, अदरवाइज 100 का इंसेंटिव। तो यहां हमने किया इफ, हमने इसको सिलेक्ट किया, हमने बोला कि अगर ग्रेटर देन, हमने बोला ग्रेटर देन 50, तो प्रॉब्लम है क्योंकि एक इफ एक कंडीशन लेता है, बट मेरे पास तो दो कंडीशन है, तो यहां पे हम इफ यूज डायरेक्ट नहीं करेंगे, यहां हम एंड यूज करेंगे पहले। तो एंड क्या करता है, मल्टीपल कंडीशंस एंड करके डाल सकते हैं, लेकिन सारे कंडीशंस रिक्वायर होने चाहिए। सारे कंडीशन को चेक करेगा, सारे कंडीशन अगर फुलफिल हुआ जैसे 50, हमने बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और सिलेक्ट करके बोला लेस देन इक्वल टू 80, तो हमने दो कंडीशन दिया कि भाई ए टू जो है क्या 50 से बड़ा है, बड़ा या बराबर है, या ए टू 50 से छोटा या बराबर है।
अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हुए तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स आया क्योंकि यहाँ पे पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया कि ग्रेटर देन 50, पर दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ लेस देन 80 का। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 75 देन ट्रू आएगा, बट मुझे यहाँ तक ट्रू एंड फॉल्स तो चाहिए नहीं, तो मुझे तो यहाँ चाहिए 500 या 100। तो इस केस में यहाँ हम इफ का फॉर्मूला अपनाएंगे और एंड को इफ के अंदर में डाल के यहाँ पे हम करेंगे 500 एंड 100। समझे मैम? हाँ जी समझे। इस तरह से, लेकिन इसी को अगर मुझे इफ के थ्रू नहीं करना हो, मुझे इसको इसको क्या बोलते हैं एंड के थ्रू ना करना हो, क्योंकि मेरे पास कंडीशन बढ़ गया। अब कंडीशन ये बढ़ गया कि अगर लेस देन 50 है तो यहाँ पे आना चाहिए 100, और यहाँ अगर ग्रेटर देन 80 है तो आना चाहिए 200। समझे? मतलब कि 50 टू 80 वाले को मुझे देना है 500, 50 से नीचे वाले को देना है 100, और 50 से 80 से ऊपर वाले को देना है 200। तो यहाँ पे हम नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ डालेंगे, क्योंकि एक इफ एक ही कंडीशन को लेता है। तो मैंने बोला कि पहले चेक करो कि क्या एक ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, उसके बाद फिर इसी के अंदर एक और इफ डाल दिया ट्रू पार्ट मींस के कि क्या ए लेस देन इक्वल टू 80 है। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ तो यहाँ पे दीजिए 500। अब यहाँ क्या होगा, मतलब कि दूसरा इफ में अगर 80 से छोटा नहीं हुआ तभी इसके फॉल्स पार्ट में जाएगा, यहाँ पे 200। और इसके फॉल्स पार्ट में क्या होगा 100, कि 100 कब जाएगा। अब देखिए इसको समझिए, थोड़ा सा नेस्टेड है। देखिए पहले इसको चेक करेगा, तो चेक किया कंडीशन फुलफिल हुआ तो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ मतलब कि 50 से छोटा हुआ तो सीधे 100 को शो करेगा और इस इफ को स्किप कर देगा, इस वाले इफ को स्किप कर देगा। नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दूसरा इफ जो है 500 को शो करेगा, नहीं तो 200 को शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंडीशन मतलब कोई लिमिट रहती है क्या इसके अंदर? जैसे अभी हमें ये दो बार लिमिट नहीं होती, बस इसके अंदर का करेक्टर 37,500 समथिंग से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कितने कितने नंबर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए? 37,000 समथिंग। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे समझिए। समझ गए? हाँ जी। आगे बढ़े? हाँ जी। अब चलिए अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। कुछ अब अगला एग्जांपल जो है, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक रिजल्ट शीट बना रहा हूँ और उनके पास तीन सब्जेक्ट है, नेम सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, तीन सब्जेक्ट है। तीन सब्जेक्ट है, मुझे इस पे इसको देना है रिजल्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर सबका जो दिख रहा है आपको, इन सबों का रिजल्ट ग्रेटर देन 33 है, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट 30 से ज़्यादा है तो पास होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में अगर 30 से कम नंबर आया है तो फेल है, मैं कोई भी एक सब्जेक्ट फेल हुआ तो रिजल्ट फेल ही होगा। समझे? तो यहाँ पे हम एंड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सारे सब्जेक्ट रिक्वायर है। इसको मैं सिलेक्ट किया, बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 30,
फिर हमने दूसरे को सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर तीसरे को सिलेक्ट किया बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और हमने एंटर प्रेस किया तो रिजल्ट आएगा ट्रू और फॉल्स। क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू को हमें पास करना है, फॉल्स को फेल करना है, तो इफ लगा देंगे इसमें हम, ठीक है? आ गया समझ? लेकिन इसी को हम नेस्टेड इफ में, ताकि हम दे सके किस सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो क्या करेंगे, यह कंडीशन देंगे कि इफ हमने पहले कंडीशन सिलेक्ट की ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो फिर दूसरा सब्जेक्ट चेक करो, क्या दूसरा सब्जेक्ट भी ग्रेटर देन 30 है तो फिर तीसरा सब्जेक्ट चेक करो कि क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, अगर तीनों ऐसा है तो चलो फिर पास दे दो, नहीं तीसरा सब्जेक्ट फेल है तो यहाँ पे दे दो सब्जेक्ट 3 फेल, नहीं दूसरा सब्जेक्ट फेल है तो यहाँ पे दे दो सब्जेक्ट 2 फेल, पहला सब्जेक्ट फेल है तो यहाँ पे दे दो सब्जेक्ट फेल और सब्जेक्ट 1 फेल, ठीक है? अब यहाँ पे समझिए कि कैसे वर्क कर रहा है, तो सबसे पहले इस इफ को चलेगा, चला इसने चेक किया कि अगर कंडीशन फुलफिल है मतलब कि 30 बी टू जो है 30 से ज़्यादा है तो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे ए इस सब इसको एस वन फेल शो कर देगा और ये पूरा पूरा जो बीच में फॉर्मूला है उसको स्किप कर देगा, रन नहीं करेगा, मतलब कि दूसरा फॉर्मूला तभी रन करेगा जब फॉर्मूला पहला फॉर्मूला अपना कंडीशन फुलफिल कर लेता है। फिर इसे चेक किया कि अगर सी टू इज ग्रेटर देन 30 तो ये तीसरे कंडीशन को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो ये सब्जेक्ट 2 फेल है इसको शो करके बाहर निकल आएगा, फिर तीसरा चेक करेगा अगर सही है तो पास देगा, मतलब तो पास तभी देगा जब तीनों सब्जेक्ट में पास होगा 30 से ऊपर नंबर, क्योंकि तीसरा इफ तभी चलेगा जब पहला और दूसरा फुलफिल होगा, तो समझ गए सिर्फ सब्जेक्ट 3 को फेल कर, क्लियर ना? चलिए एंटर प्रेस कीजिए। बट इसमें दिक्कत यह है कि अगर इसमें आपका दो सब्जेक्ट में फेल है तो वो एक ही दिखाएगा, क्योंकि दूसरा चेक ही नहीं करेगा, पहले उसको फेल मिल गया तो बाहर निकल गया, जी जी। अब इसमें चलिए हम और के बारे में बात करें, यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास डे है और यहाँ ऑफिस का स्टेटस देना है, तो यहाँ पे हमने संडे से शुरू करता हूँ, तो इसमें क्या है कि सैटरडे एंड संडे हमारा सिस्टम और ऑफिस बंद होता है बाकी दिन खुला होता है, तो मुझे सैटरडे एंड संडे पे ऑफ दिखाना है अदरवाइज पे पास दिखाना है, तो मोर देन वन कंडीशन है तो यहाँ पे देंगे फॉर्मूला हम एंड का नहीं देंगे, क्योंकि एंड क्या होता है रिक्वायर होता है, बट यहाँ पॉसिबिलिटी है ही नहीं एंड की, क्योंकि एक सेल में या संडे हो सकता है या सैटरडे हो सकता है, दोनों तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ और लगाए और लगाए, यहाँ पे इक्वल टू सन, यहाँ पे सैटरडे कॉमा इक्वल टू संडे, तो और चेक करेगा सारे कंडीशन में, तो इसको एक फॉल्स मिलेगा और एक ट्रू मिलेगा, तो और कहता है कि तुम मेरे अंदर में मैं हजारों कंडीशन डाल दूँ, हजारों कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो मैं रिजल्ट ट्रू दे दूंगा, मैं फॉल्स तभी दूंगा कि मेरे अंदर डली गई सारे कंडीशन फॉल्स है, मुझे एक भी ट्रू ना मिला देन मैं आपको फॉल्स शो करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, एक भी मिल गया तो ट्रू करूंगा। अब ये ट्रू फॉल्स को आप अपना बना सकते हैं, यहाँ पे इफ हमने बोला अगर ट्रू है तो यहाँ पे ओके अदरवाइज, ठीक है रिजल्ट आपके सामने आ। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास एक और एग्जांपल मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको इफ के साथ करना हो तो कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि आईडी प्रूफ का मेंटेनेंस का हमारे पास एक डेटा है और आईडी प्रूफ में बोला गया है सबको
कि कोई एक आईडी प्रूफ आप दे दीजिए, जैसे कि आप दे दीजिए पैन नंबर, या दे दीजिए डीएल, या दे दीजिए यहाँ पे वोटर वोटर, या दे दीजिए यूआई। यहाँ पे स्टेटस ओके और पेंडिंग दिखाना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब जैसे कि आपको कोई बोला जाता है तो जरूरी थोड़ी कि आप एक ही रोल हो सकता है, किसी में ऐसे होते हैं कि बंदे दो तीन डाल देते हैं ना। अब आई डी प्रूफ माना गया था, कोई लोग वोटर आई कार्ड भी दे देंगे और पैन कार्ड भी दे देंगे, या आधार कार्ड दे देंगे और डीएल भी दे देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कोई एक इसको मिल जाता है तो ट्रू आना है, अदरवाइज फॉल्स आना। तो यहाँ जाहिर सी बात है हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, एंड इक्वल टू, सॉरी माफ कीजिए, एंड नहीं और होगा क्योंकि कोई एक ही होगा ना। वाई हमने इसको सेलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई, वापस इसको सेलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई, वापस इसको सेलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई, ठीक है। और यहाँ पे हमने टू फॉल्स कर दिया, टू फॉल्स पर आ गया। अब ओके और पेंडिंग देने के लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाना, सही बोला ओके एंड पेंडिंग, ठीक है आ गया रिजल्ट, क्लियर है। अब इसी को नेस्टेड इफ से कैसे करें, तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ देखिए पहले इफ हमने चेक किया और बोला दिया कंडीशन कि ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू होना चाहिए सैटरडे, इसको मिल गया यहीं पे कर देगा ओके। मतलब कि एंड में क्या होता है, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन देन देन रिजल्ट देन फर्स्ट लास्ट थर्ड फॉल्स सेकंड फॉल्स एंड फर्स्ट फॉल्स, ऐसे दिया रहता है ना। आपने तीन इफ लगाया तो फर्स्ट कंडीशन देन सेकंड कंडीशन देन थर्ड कंडीशन, उसके बाद आप दोगे फाइनल रिजल्ट, उसके बाद दोगे आप थर्ड कंडीशन का फॉल्स सेकेंड कंडीशन का फॉल्स और फर्स्ट कंडीशन का फॉल्स। बट यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन रिजल्ट इस तरह से होता है। यहाँ पे इफ फॉर्मूला लगाया हमने, हमने बोला कि दैट इज इक्वल टू संडे और यहाँ पे हमने दे दिया ओके, और फिर इसमें हमने दिया पेंडिंग, क्योंकि पेंडिंग होने का चांस एक बार है, ओके होने का चांस दो बार है। तो ये चेक करेगा पहला सैटरडे है ओके दे देगा और बाकी इसको भूल जाएगा क्योंकि बाकी फॉल्स पार्ट में है। सुनिए यहां पे अगर हम बोलिए, हेलो गरिमा जी क्या बोल रहे हैं, सुनिए पहले मैं बोल रही हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन दिया कि सैटरडे अगर हो 8:10 में तो ओके आ जाए, ऐसे ही हमने संडे में भी लिखा है कि अगर संडे हाँ। हो तो ओके है नहीं तो पेंडिंग है। जी हाँ जी हाँ। तो ये जो ओके और पेंडिंग लिखा है आपने वो ओवरऑल कंडीशन के लिए लिखा है या फिर नहीं नहीं सिर्फ पहले वो चेक करेगा पहले कंडीशन चेक करेगा 18 को चेक किया, अगर उसको रिजल्ट मिल गया तो ओके दे देगा, इसको भूल जाएगा, संडे को चेक ही नहीं करेगा। उसे सैटरडे को चेक किया, उसको सैटरडे मिल गया ओके दे देगा, ओपन दे देगा, क्लोज दे देगा, जो भी रिजल्ट आपने दिया वो रिजल्ट दे देगा, वो सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन को तब चेक करेगा जब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगा, समझे। देन सेकंड कंडीशन को भी चेक कर लिया, उसको रिजल्ट मिल गया ओके मिला तो ओके दे देगा, ना मिला तो फिर वो लास्ट में पेंडिंग दे देगा। जैसे यहाँ पे समझिए इसको, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड,
हेलो। हेलो। हाँ जी सॉरी, वो एक्चुअली मेरा पता नहीं नेटवर्क फ्लक्चुएट किया, मुझे लगा मीटिंग खत्म हो गया क्योंकि 40 मिनट हो गए थे। हाँ नहीं, चलो। जी तो यहाँ आपने इसको समझ लिया, कैसे यूज किया है हमने इसको? हाँ जी, समझ तो लिया। ये वाला थोड़ी डिस्कस कर रहे थे हम। इसको डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, मैं ये यहाँ पे पूछ रही थी आपसे कि अब जैसे यहाँ पे आपने लगाया है इफ की पहले सैटरडे अगर हो तो ओके हो, और सेकंड वाला जो आपने लगाया है 8 एन पे संडे भी चाहिए, तो ये जो ओके और पेंडिंग आपने लास्ट में लगाया है वो ओवरऑल उसके लिए कंडीशन के नहीं लिए नहीं लगा नहीं है। मैं हाँ बताता हूँ, सुन सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जी वो पहले के एक सीक्वेंस समझिए। पहले चेक करेगा 8:10 में सैटरडे, अगर 8:10 में सैटरडे मिला तो यही पे ओके दे देगा और इस बाकी को रीड ही नहीं करेगा, तो उस इग्नोर कर देगा। अच्छा फिर ठीक है। अगर इसमें 8:10 में सैटरडे नहीं हुआ तो फिर वो इसको सर्च करेगा कि 8:10 अगर संडे है तो यहाँ पे ओके मिले। अगर दोनों में नहीं हुआ तो लास्ट में पेंडिंग शो करेगा, अच्छा ठीक है। ठीक है? और सेम इसी तरह से हम यहाँ भी यूज करेंगे। हम यहाँ पे देते हैं कि इफ अगर ए इक्वल टू वाई है, हाँ जी अगर उसको पैन वाई मिल गया तो यहीं पे ओके कर देगा और बाकी कुछ चेक करने की उसकी जरूरत ही नहीं है। पैन वाई नहीं है देन वो देन क्या करेगा, डीएल को चेक करेगा कि क्या डीएल वाई है। अगर डीएल वाई है तो क्या करेगा, यहीं पे ओके दे देगा, वो वोटर को चेक ही नहीं करेगा। अगर डीएल वाई नहीं है देन वो क्या करेगा, वो वोटर को चेक करेगा। अगर वोटर इक्वल टू वाई है तो यहीं पे आप ओके दे देगा और यूआईडी को चेक ही नहीं करेगा। देन जो इफ करेगा यूआईडी को चेक करेगा, यूआईडी अगर वाई है तो वो यहीं पे दे देगा ओके, नहीं तो फिर लास्ट में पेंडिंग देगा। समझ गए? हाँ जी अब इसको यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए, यस कीजिए, ये आपका रिजल्ट आपके सामने आया। जी आगे क्लियर। अब मान लीजिए कि मेरे पास कंडीशन है थोड़ा सा चेंज। मेरा बैंक कहता है कि पैन नंबर तो आपको देना ही नहीं पड़ेगा, इसके अलावा हाँ जी तीन में से कोई एक दीजिए। मतलब मुझे दो डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें पैन कंपल्सरी है, पैन के अलावा कोई एक होना चाहिए, वोटर यूआईडी या जो भी हो आपके पास। तो इसके लिए यहाँ हम फॉर्मूला देंगे एंड और मिक्स करके, एंड क्योंकि मुझे दो चाहिए, दो कंपल्सरी है, इसलिए हमने एंड लगाया और पहला जो कंपल्सरी पेन नंबर है वो हमने यहाँ पे दे दिया। अब मेरे पास तीन चाहिए, तीन है, अब तीन में से कोई एक भी चलेगा, अब तीनों मिल गया फिर भी ठीक है या कोई एक मिल गया फिर भी चाहिए, तो इसको हम और के अंदर दे देंगे क्योंकि हमें मेनली दो डॉक्यूमेंट चाहिए ना। तो एक ट्रू देगा आपको पैन नंबर, दूसरा ट्रू देगा आपको और फॉर्मूला। हाँ जी और फॉर्मूले के अंदर में हमें तीन तीनों को वोटर आईडी को डाल दिया कि तीनों में से कोई एक मिल जाए या एक से ज्यादा ही मिल जाए तो आपको वाई दे दिया भाई। तो हाँ जी ये थी आपकी आज का सेशन। अब मुझे आपको इसी फॉर्मूले में, हमने अभी जो एंड और को मिक्स करके बताया ना आपको, मुझे इसी का नेस्टेड इफ बना के दीजिए कि एंड ना लगाए और ना लगाए, तो इसको इफ की मदद से कैसे करें, अच्छा ठीक है ठीक ठीक है ना? चलिए हाँ जी ठीक है। कीजिए, बोलिए। सर जी, आज वाली सेशन की पूरी रिकॉर्डिंग होगी क्या? आपने रिकॉर्ड किया ठीक, क्या हाँ सेशन? मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं आपको आधे घंटे में भेज देता हाँ जी ठीक है, आज की भी भेज